विजय त्रिवेदी जी से जल्दी से टिप्पणी ले लूं, आने जाने का सिलसिला जारी है। बीएसपी तो चुपचाप बंद कमरे से चुनाव लड़ रही है और मतलब सांसद महोदय ठोककर दावा भी कर रहे हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे। जी लग रहा है कि इसमें सच्चाई है, ऐसी स्थिति बन पाएगी उत्तर प्रदेश? 67 दिन से आप 67 दिन से खुद मैदान में हैं, तो वो आज कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो इस पर मैं डिबेट करूं वो ज्यादा उचित नहीं, क्योंकि आप खुद वहां पर मैदान में देख रही है क्या है। असली परेशानी बहुजन समाज पार्टी के साथ यही हुई है कि वो अभी तक जो दलित जो वोट था उसको अपना वो मान रही थी कि उसकी पूरी जो हिस्सेदारी है वो कहीं जाने वाली नहीं है मायावती जी से। लेकिन जो 2012 से ने सोशल इंजीनियरिंग का काम किया गैर जाटव गैर यादव का और जो ओबीसी थे उनको जिस तरह से किया, उसका नतीजा आपने 2014 में 2017 में 2019 में देख लिया। तो ये तो बहुजन समाज पार्टी को भी समझ में आ रहा होगा कि अब वो वोट बैंक उस तरह से नहीं है। और दूसरा, ये चुनाव पिछले जो मंडल चुनाव था उससे आगे बढ़ गया है कि अब जो बड़ी जातियां थी ओबीसी की उसमें जो निचली जातियां थी जिसे हम नॉन डोमिनेंट कास्ट कहते हैं वो भी अपनी पॉलिटिकल विशेष को एक्सप्लोर करना चाहती है, एक्सप्लॉइट करना चाहती है। इसलिए वो केवल बीएसपी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ या बहुजन बीजेपी के साथ सोशल इंजीनियरिंग के बहाने से नहीं जा रही, इसलिए वो अपनी ताकत बनाने के लिए जो काशीराम जी ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो वो भागीदारी हर कोई अपनी चाहता है और वो विचारधारा अपनी वो सत्ता में हिस्सेदारी से चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रहा है इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी अगर इसको नहीं समझ रही या आपके सामने हमारे सामने औपचारिक तौर पर ये बात कर रही है तो उसका नुकसान तो उनको वहां उठाना ही पड़ेगा। इसलिए ये इलेक्शन कास्ट में भी सब कास्ट पर पहुंच गया उत्तर प्रदेश में और उन सब कास्ट को मैनेज करना सबके लिए आसान काम नहीं। इसलिए जो पार्टियां 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आई वो आज क्यों चली गई ये बीजेपी को सोचना है। हालांकि ये देखिएगा, एक फिगर और मैं देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 10-12 विधायक और मंत्री नहीं जाते तो शायद ज्यादा टिकट काटती, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड हम देखें कि 2017 में 314 विधायक वो आए थे जो पहली बार बने थे। तो टिकट काटने से जो लोकल लेवल की एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी शायद इस वक्त प्रेशर में रही हो कि इतने विधायक और मंत्री चले गए हैं तो उतने टिकट नहीं काटे जा रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बहुत केवल विनेबिलिटी के आधार पर उम्मीदवारों को रखते हैं, अमित शाह जी भी खुद रखते हैं, तो हो सकता है अभी जब नई लिस्ट आएगी तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं कौन कौन नहीं आ रहे हैं। और रीता बहुगुणा जी के तो के शर्मा साहब को पता है कि चिट्ठी उन्होंने भेजी है धर्मेंद्र प्रधान जी को और अध्यक्ष जी को कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए और कहा गया कि भाई एक परिवार में एक ही टिकट मिलेगा। अब यहाँ पर मैं लिस्ट बताऊंगी कौन कौन लोग एक ही परिवार से दो दो लोग है उसका कोई अभी मतलब नहीं है, इस पर फिर कभी हम लोग बात करेंगे।